जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, बोलो जम के बोलो जरा, मालूम है सबको, अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को, डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है, उधर रखना, उसी बेलपत्री को वापस उठाना। शिवजी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए, शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें, धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाए अपने घर से, 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना, 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी सरोवर तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए, बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते, शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग, भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप आनंद। दूसरा, आपको लग रहा है कि शरीर में बड़ा रोग होने वाला है, आपको लग रहा है कि मेरा शरीर में डॉक्टर कोई रोग कोई बीमारी बड़ी ना बता दे, तो निवेदन है, महीने में एक बार धतूरा, धतूरा देखा है सब लोगों ने, जो धतूरा होता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उस धतूरे को हल्दी में भिंगोकर शिवजी को महीने में कम से कम एक बार चढ़ा दिया करो, कोई शरीर में जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी तुम्हारे सामने नहीं आएगी, शिव उसको धतूरा भगवान शंकर को चढ़ाने से रोग की समाप्ति होती। एक बेलपत्री शंकर जी पर चढ़ाकर जिसकी डंडी का मुख अशोक सुंदरी की जगह पर हो, उसे चढ़ाकर एक लोटा पानी उत्तर की ओर मुख कर चढ़ाना प्रारंभ कर देना, धीरे धीरे परिवार में सेटल होना प्रारंभ हो जाएगा, अशांति समाप्त। ये शांति का अनुभव करा है, बेलपत्री की डंडी का जो मुख है, बेलपत्री की जो डंडी होती है उसका जो मुख होता है, अगर उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिवलिंग पर चढ़ाया, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका मुख है और आप उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ा रहे हो, तो ये निश्चित है उस घर में कितना भी क्लेश मच रहा होगा, लगभग आधे घंटे के अंदर उस घर में शांति हो जाएगी, सब आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, क्लेश नहीं रहेगा। थोड़ा समय संघर्ष का तीन जल की महत्वता कही गई है अभिषेक में, पहला तीर्थ का जल, कौन सा जल है, तीर्थ का जल, जो भी तीर्थ का जल हमारे पास होता है जब हम कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे होते हैं और हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा, तो फिर तीर्थ के जल को शंकर भगवान के किसी भी मंदिर में जाकर उत्तर की ओर मुख कर उस जल को समर्पित कर दीजिए, आपका वो कार्य सफल जरूर करेगा, तीर्थ के जल से फल प्राप्त होता है। घर में अगर अरहर की पत्ती हो, अरहर की जो दाल होती है, कोहर की जो दाल होती है, उसकी जो पत्ती होती है, ब्रजचा का पौधा जो होता है, उसकी जो पत्ती होती है, जब रोग में ग्रसित हो गया व्यक्ति और डॉक्टर ने कह दिया इसको कैंसर है या इसकी किडनी या इसका लीवर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, इसका डायलिसिस चालू होगा, अब वो डायलिसिस की तैयारी करें, उससे पहले आप अरहर की पत्ती का जल शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए, डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान चाहेगा तो बचा लेगा, किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ करेंगे। यह अभिषेक महापुराण के
तीसरा, जिस देवालय में दर्शन करने जा रहे हो, महाकाल गए हो, पल्ली वेदनाथ गए हो, काशी जी गए हो, या आप जाकर भीमाशंकर कृष्णेश्वर आदि आदि जितने तीर्थाधिक मंदिरों में शिव शिवालय है, उन शिवालय में जाकर दर्शन करने गए हो, तो वही उसी शिवालय के पास में जो मंदिर हो, उस शिवालय के पास में जो जो बावड़ी, जो कुआं, जो तालाब, आधा शिव को चढ़ाकर आधा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से चढ़ा देने पर जिस संबंध के लिए चढ़ा रहे हो कि यहाँ संबंध होना चाहिए, वो संबंध जोड़ता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।